बाबा जल्दी आ, जल्दी आ। अरे डॉक्टर साहिबा चिंता मत करो, ये नाग न बचेगा आज मेरे हाथ से। साहिबा रुकिए, देखिए वो कुछ नहीं कर रहा है, आप शांति से। अरे तू क्या बात कर रही इच्छा, इतना बड़ा नाग अपना फन उठा के खड़ा है, फुंकार मार रहा है और तू कह रही कुछ ना करेगा, इसकी तो मैं। नाग कहां से आ गया? ये कोई मामूली नाग नहीं है, देखा नहीं आपने? सबल ने इसे मारने की कोशिश की थी लेकिन उसकी लाठी उस तक पहुंच नहीं पाई। ये नाग हम में से किसी को कुछ नहीं कर रहा है, बस डॉक्टर पर फुफकार रहा है। उसका मतलब ये डॉक्टर को मेरे करीब नहीं आने देना चाहता। लेकिन ये ऐसा क्यों चाहता है? थारे इलाज से नाक का के लेना देना? पता नहीं दादी, लेकिन फिलहाल इसके अंदाज से लग तो यही रहा है। डॉक्टर अभी आप जाइए, वैसे भी मुझे अब ठीक ठाक लग रहा है। हाँ इच्छा, तू सही कह रही है, जिस तरीके से नाक डॉक्टर पे फुंकार मार रहा है ना, उससे तो लग रहा है ये गुस्सा है डॉक्टर साहब से। ऐसा है तो हम इच्छा की इलाज की खातिर आपकी जान खतरे में नहीं डाल सकते। आप अभी जाओ, अगर जरूरत पड़ेगी ना तो हम आपको बुला लेंगे। अरे प्रबल, हाँ जा डॉक्टर निजी को जरा बाहर तक छोड़ के आ जा। जी पिताजी। जो तो जा रहा है। लेकिन ये नाग डॉक्टर को यहाँ से भगाना क्यों चाहता था? डॉक्टर को मेरा इलाज क्यों नहीं करने दे रहा था? क्या कहा था आपने? कि विश्वप्रीत मुझसे ज्यादा चालाक है, मुझसे ज्यादा ताकतवर है, मौका देखकर दांव खेलती है और जो दांव खेलती है जीतकर भी दिखाती है। अब क्या हुआ, कहाँ गई उसकी ताकत? एक नाक से घबरा कर भाग गई वो। अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो, वो नाक कोई मामूली नाग नहीं था। उसका आवेश, उसकी फुफकार, उसकी नागमणि, उसकी हर चीज में एक दैविक अंश था। मतलब हम तुम्हें बाद में समझाएंगे, फिलहाल हमें ये पता लगाना है कि वो नाग आखिर था कौन और उसे भेजा किसने था। शिव जी का नाग खुद आया था इच्छा को बचाने, अब ये कैसी लीला है? अगर शिव जी खुद इच्छा की रक्षा करने के लिए खड़े हैं तो हमारा लड़ना बेकार। ऐसे में तो मुझे नहीं लगता कि हम इच्छा से जीत सकते हैं। इच्छा से जीतना असंभव लग रहा है। बब्बल आ गया, बब्बल आ गया। क्या क्या क्या, आप लोग सब मुझे देखकर चौंक क्यों गए? आप लोग किसी और के आने की उम्मीद कर रहे थे क्या? अरे हमारे चाहने से क्या होता है बब्बल, हमारे घर में तो कोई भी बिन बुलाया आ जाता है। अब जैसे वो सांप आ गया था, नाग 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 आ गया था। नाग कौन सा नाग, कब आया था यहाँ पे, क्या हुआ था यहाँ पे? अरे बहुत कुछ हुआ बब्बल, तू यहाँ पे नहीं था ना, इच्छा की तबीयत खराब हो गई थी, सर में दर्द, पेट में दर्द, यहाँ वहां उल्टियां कर रही थी, उसका सर भी घूमने लगा, तभी डॉक्टर नहीं आई। इच्छा तुम ठीक तो हो ना, और ये अचानक हमारे घर में नाग कहाँ से आ गया?
उसने कुछ किया तो नहीं किसी को? अरे ना छोरा ना, उसने किसी को कुछ ना किया। अरे वो सब छोड़ो छोरा, तू सुबह का गया अभी लौट कर आ रहा है, अरे खरीदारी करने में इतना समय लगे है के? खातिरदारी? अरे इसकी खातिरदारी करने की क्या जरूरत है, ये तो घर का छोरा है, जो चाहिए अपने हाथ से उठा लेगा। खड़क, तू इसे कहीं छोड़ के आवेगा? रे माँ, नटखट पिल्ला है, जहां भी छोड़ के आऊंगा घूम फिर के फिर यही वापस आ जाएगा। बबल जी, तूने हमारे सवाल का जवाब ना दिया। अरे तू सामान खरीदने गया था तो थारा सामान कहाँ है? वो दादी जो सामान लाने गया था, मेरा मतलब है जो सामान ढूंढने गया था, वो नहीं मिला। अरे के लेने गया था तू? अब दादी छोड़िए ना, जब मिलेगा तब बता दूंगा। दादी मैं अंदर आराम करने जा रही हूँ। हाँ छोरी जा। बबल जी के हाथ कुछ नहीं लगा, मतलब मेरे सवाल अभी भी। इच्छा, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, अब तुम कैसी हो? मैं ठीक हूं। पक्का? अगर अभी भी पेट में दर्द है तो मुझे बताओ, किसी और डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं बबल जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूं। अपना ख्याल रखा करो इच्छा, तुम जानती हो ना, जब तुम्हारे साथ कुछ गलत होता है तो तकलीफ मुझे होती है। दिल के तार जुड़े हैं, खुशी का हो या दर्द का, हर सुर सुनाई देता है। अच्छा ये बताओ, ये नाक का क्या चक्कर है? मुझे क्या पता, आया होगा कहीं से। अरे ऐसी थोड़ी ना आ जाएगा। बबल जी मैं एक आम लड़की हूँ, कोई अंतर्यामी नहीं हूँ जो नागों की मन की बात जान लूँ। अरे वो नाग है, कब कहाँ क्यों जाता है मैं कैसे बता सकती हूँ? वो अच्छा, तुम नागों से इतना प्यार करती हो ना, तो मुझे लगा तुम्हारी उनसे बातचीत होती होगी। एक मिनट, अब मुझे पता चला कि वो नाग यहाँ क्यों आया था। जरूर तुमने उसे बुलाया, तुम्हें इंजेक्शन से डर लगता है ना, तो उससे बचने के लिए, है कि नहीं? बबल जी आप मेरी टांग खींचना बंद करेंगे प्लीज? चलो बंद किया। अब बताइए आप जिस काम के लिए गए थे वो हुआ? सुनार का कुछ पता चला? मुलाकात हुई उनसे? और जिन दो लोगों की तस्वीरें थी उस लॉकेट में? नहीं अच्छा, मैं किसी से नहीं मिल पाया, मतलब मैं उस गांव तक गया था, वहां मैंने पूछताछ भी की। अरे ये तो अपना घनश्याम है और उसकी पत्नी सुशीला इसी गांव के रहने वाले हैं, यहाँ तीसरी गली में उनका घर है। लेकिन यहाँ तो ताला लगा हुआ है। घनश्याम तो जी कल रात ही घर छोड़कर चले गए। इच्छा मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग रातों रात गांव छोड़कर कहाँ चले गए और क्यों। ए तुम चिंता मत करो, हम फिर से कोशिश करेंगे, शिव जी ने हमें उनके घर तक पहुंचाया है, उन तक भी पहुंचा ही देंगे। लेकिन अच्छा अगर सही दिशा में खोज करनी है ना, तो मेरे पास कुछ सवालों के जवाब होना जरूरी है। तुम इन लोगों को क्यों ढूंढ रही हो और तुम्हें वो लॉकेट कहां से मिला? बबल जी मैंने आपसे पहले भी कहा था, मेरे पास आपके किसी सवाल का कोई जवाब नहीं है। दोस्त हूं मैं तुम्हारा, जब से तुम्हें ये लॉकेट मिला ना तुम परेशान रहती हो, मैं बस उस परेशानी की वजह जानना चाहता हूं ताकि मैं उस परेशानी को ही तुमसे दूर कर सकूं। प्लीज अच्छा बता दो मुझे
नहीं बता सकती, ऐसा नहीं है कि मैं बताना नहीं चाहती, लेकिन कुछ चीजें हमारी अपनी होती हैं बब्बल जी, उन्हें अपने तक सीमित रखना ही अच्छा होता है। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं बता सकती, और आप जो मेरे लिए कर रहे हैं। बस बस बस, अभी थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा अपना हूं इच्छा, सुख में हो या दुख में, हर चीज में तुम्हारे साथ हूं। और तुम मानो या ना मानो, तार तो हमारे जुड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपकी वजह से अनर्थ होते होते टल गया, वरना औरों ने तो काम बिगाड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मैंने कहा ना, गलती हो गई, निकल गया मुंह से की। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ, अपनी लपलपाती जुबान पर काबू रखिए। सिपली, खतरा टल चुका है, अब इस खुबकार का क्या फायदा? गुरुजी, मैं तो अभी भी अपने आप को संभाल नहीं पाई, ये सोचकर मेरी केंचुली थर्रा जाती है कि कल रात अगर आपने घनश्याम और सुशीला को उनके घर से गायब नहीं करवाया होता तो बब्बल को सब कुछ पता चल जाता, और फिर वो जाकर उन दोनों को इच्छा से मिलवा देता, इच्छा को राज पता चल जाता, और ये हम में से किसी के भी हित में नहीं होता। इच्छा का उन तक पहुंचना और इस राज से पर्दा उठना लगभग असंभव है। सिपली, वो इच्छा है, आज तक खतरों से खेलते आई है, असंभव को संभव बनाते आई है, और जिद के मामले में हमसे दो कदम आगे है। वो चुप नहीं बैठेगी, जब उसके सामने एक दरवाजा बंद होगा वो पूरी ताकत से दूसरा दरवाजा खोलेगी। अच्छा सुन, मैंने बब्बल जी से उस गांव का, उन लोगों के घर का पता ले लिया है, अब मैं वहां खुद जाऊंगी। लेकिन बब्बल ने कहा ना वहां कुछ नहीं है, वो लोग गांव छोड़कर जा चुके हैं। अब वो कहां गए हैं और क्यों गए हैं गांव में किसी को नहीं पता। फिर तुम? बब्बल जी ने घर को बाहर से देखा है बुद्धू, बंद दरवाजे के अंदर क्या है ये तो मैं ही देख सकती हूँ ना, और हो सकता है बब्बल जी की आंखों से कुछ चीजें छूट गई हो जो मुझे दिख जाए। मेरा दिल कह रहा है वाकू, मैं वहां जाऊंगी तो मुझे कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा, बस एक धागा मिलने की देर है, गुत्थी अपने आप सुलझ जाएगी। लेकिन इच्छा, इसमें एक खतरा है, तुम घर वालों क्या बोलकर जाओगी? चलो माना तुमने कोई बहाना बना भी दिया, लेकिन अगर घर में किसी को शक हो गया तो, अगर किसी ने तुम्हारा पीछा किया तो? तेरी इच्छा जा रही है वाकू, घर वालों की इच्छा तो यही होगी, उनके साथ उनके बीच। नहीं इच्छा, बस अब और नहीं, मैं इच्छा नहीं बन सकता। इच्छा, मैं तुम्हारे खातिर कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन ये इच्छा बनने के लिए मत कहो ना। अरे गलती से मुझसे कोई गलती हो गई तो? अरे इच्छा, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? इच्छा, फिर से बेवकूफ बना गई मुझे। अब तक मैं इच्छा बनता था, अब इस बनी हुई इच्छा को मुझे संभालना पड़ेगा। भी कुछ नहीं है, नागों का ऐसा चित्र इससे पहले मैंने कहीं नहीं देखा, क्या मतलब हो सकता है इनका? सीधा साधा घर है, कोई आम इंसानी परिवार ही रहता होगा यहाँ, किसी का
इस तरह का चित्र बनाना इसने किया होगा ये, पर क्या वजह हो सकती है? और फिर कोई एक ही चित्र इतनी बार क्यों बनाएगा? क्या मेरा राज इन चित्रों से जुड़ा है? पता करना होगा। महारानी, महारानी, ये कोई बागीचा है जहां बिना इजाजत लिए अपना फन उठाए चली आई? क्षमा कीजिए महारानी, पर बात ही कुछ ऐसी है। उगलो। महारानी, आपकी माताजी की तबीयत बहुत खराब है। वैद्य ने कहा है उनके पास कुछ ही पल बचे हैं। वो आखिरी फुफकार भर रही हैं। आप दोनों को जल्द से जल्द बुलाएं। माँ, अरे सबोली, आ गई तुम? चलो, तुम्हें फुर्सत तो मिली विशालगढ़ के राजपास। माँ, माँ आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हम तो रोज वैद्य जी से आपके बारे में। चूल्हे के साथ साथ शरीर त्यागने का समय आ गया है सबोली। इस बीमारी ने सारी हिम्मत, सारी ताकत जवाब दी है। माँ, आपको कुछ नहीं होगा, आप ये दवाई पीजिए। कोई दवा असर नहीं करेगी। अब तो इस बीमारी का इलाज मेरी मौत ही है। माँ, आपको बहुत तकलीफ हो रही है ना, आप चुप हो जाइए, आप बस आराम से लेटे रहिए। मेरे पास कितना समय मैं नहीं जानती, लेकिन जाने से पहले मेरे मन का एक बोझ हल्का कर देना चाहती हूँ। एक राज है जो मैंने सालों से अपने दिल में छुपा रखा था। आज मैं तुम तीनों को बता देना चाहती हूँ। कैसा राज माँ, बताइए। वो इच्छा। हाँ माँ, बताइए बताइए, क्या इच्छा है आपकी? आपकी जो भी इच्छा होगी हम जरूर पूरी करेंगे। माँ बताइए, क्या इच्छा है आपकी? बताइए। हाँ नहीं, वो इच्छा For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.